वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान अपना छठा मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने जा रहा है। ये मैच 23 जून 2019 को बुध इतवार को खेला जाएगा लॉर्ड्स के ग्राउंड में। ये मैच बहुत सख्त होगा। पाकिस्तानी टीम के लिए मैच बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पाकिस्तानी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में रसाई करना चाहती है तो ये मैच उसके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगर ये मैच हार जाती है तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2019 की रसाई से बाहर हो जाएगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ये मैच जीतने के लिए एक हिम्मत अमली बनानी होगी और जीत के लिए मैदान में उतरना होगा। सब्र, तहम्मुल और इत्मीनान के साथ ये मैच खेलना होगा। हर प्लेयर को एक जिम्मेदारी के साथ ये मैच खेलना होगा। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के शायकीन हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच का हम बड़ी एनालिसिस करते हैं। दोनों टीमें इस वक्त बहुत सख्त हालत के अंदर हैं। दोनों टीमें मैच को जीतना चाहती हैं। दोनों टीमों के 3-3 पॉइंट्स हैं। दोनों टीमें इस टाइम एक जख्मी परिंदे और जख्मी शेरों की तरह हैं। अब देखते हैं कि कौन सी टीम 3 का हिस्सा तोड़ के 5 का हिस्से को कैप्चर करेंगे। अगर पाकिस्तानी टीम की बात की जाए तो ये पलड़ा भारी है कि पाकिस्तानी टीम ने बड़े मैचेज में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है। ICC चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी। अगर हम सीरीज की बात की जाए तो ज़्यादा मैचेज सीरीज साउथ अफ्रीका ने जीती है। पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियाँ की गई हैं। शेब मलिक, अहमद वसीम और हसन अली को रेस्ट दिया गया है। इनकी जगह पे आरिफ सोहेल, आसफ अली और मोहम्मद हुसैन या शाहीन अफरीदी में से किसी एक को मौका दिया जाएगा। पाकिस्तानी टीम को ताजिद के फर्स्ट बैटिंग करना होगी और नंबर 2 पाकिस्तानी टीम को बड़ा स्कोर करना होगा। इस ग्राउंड के अंदर जो टीम्स 300 प्लस करती हैं उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, पाकिस्तानी टीम को बेस्ट फील्डिंग करनी होगी। हर प्लेयर को जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। अगर स्कोर बड़ा होगा तो बॉलर भी डिफेंड करने में कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।